नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मोटिवेट होकर जो युवा हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसी क्रम में अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो आज सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं वो शामिल हुए हैं। बता दें कि एक व्यवसायी सोनू सैकड़ों लोगों को लेकर आए और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ली है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके ठीक बाद राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और वेद प्रकाश पांडे युवा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और ऐसे में उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को जो सदस्यता है वो दिलाई है। देखिए सदस्यता दिलाने के बाद क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सिंह जी जो पटना में रामकृष्णा नगर में रहते हैं और बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, हमेशा सामाजिक काम से जुड़े हुए थे। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर के सैकड़ों युवाओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले इनको मैं बधाई देता हूँ। आज मंच पे हमारे सभी साथी, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश मांडी हैं, ये हमारे जितेंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं, मिथिलेश निषाद जी हमारे बैठे हैं उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, हमारी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा इंदु कश्यप जी हैं, भुवनेश्वर पाठक जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, दिनेश पासवान जी हमारे प्रवक्ता हैं, अनिल कुमार जी हमारे राष्ट्रीय युवा के हैं, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सभी साथी हैं। आज पार्टी कार्यालय पर इन्होंने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं पुनः दोबारा इनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का जो हमारा काम चल रहा पहले से, उसमें ये लगेंगे, और इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी युवा में या किसी प्रकोष्ठ में बढ़िया से देगी। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि युवा हैं तो हमारे वेद प्रकाश पांडे जी इनके प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये काम करने की हमारी सोच है और इच्छा भी है कि ये काम करेंगे और नेता की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके आगे आप लोग कुछ पूछना चाहें तो बताइए। देखिए हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी, हर पार्टी का अपना अपने सोच होती है। निश्चित रूप से आपका कहना जरूर है कि एनडीए के घटक दल में जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के एक मंत्री हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है, इससे हम लोग पार्टी में ये विचार किया गया है कि पुनः हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और इस पर हम लोग की सहमति नहीं है, उस पर हम लोग जाएंगे, पार्टी जाएगी। अब जीतन राम मांझी जी का क्या, उनकी पार्टी का क्या सोच है, उस पर बयान देने के लिए हम बाध्य नहीं। मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, उस पर पार्टी काम कर रही है। विचारों में भिन्नता रहती ही है। अब हमारे पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी जी का सेकुलर हम है, बहु पार्टियां हैं देश में, एनडीए के बहुत सारे और गठबंधन दल के नेता हैं, तो हमारे दल की हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, इसमें दूसरा कुछ बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अब किसको क्या कहा है नाम लेके मैंने नहीं सुना हूँ, कुछ लोग बोले हैं स्वार्थी, हम फिर वही बात कहना चाहते हैं, हम सबकी बातों को बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने जिस दिन नाम लेके हमारे नेता के प्रति बोलेंगे उस दिन हम उनको जवाब देंगे। अब उनकी सोच उनकी पार्टी की अलग है, मेरे पार्टी की सोच स्पष्ट हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया, पिछले दिन आए थे तभी, तो हमारे नेता की सोच है, उस पर पार्टी हमारी काम कर रही है, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे दल जाएगा, अपनी बातों को रखेगा, उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश हमारे पक्ष में फैसला करेंगे। पुनर्विचार करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? हमारी हमारे हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं, हमारे पार्टी की सोच, हमारे पार्टी के सोच के विपरीत फैसला आया है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि हमको अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने का अधिकार है, हम रखेंगे,
माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपने अपने हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे पक्ष में फैसला मिले। भाजपा भी आप लोग के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के साथ ही हम नहीं कह रहे हैं, कोई रहे या ना रहे इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे नेता, मेरी पार्टी की जो सोच है हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, उस पर पार्टी काम कर रही है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, हम उनके उनके उनकी सोच का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सोच है उसको हमारे नेता ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है और उस पर पार्टी काम कर रही है। राजीव जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, उसे आप कह रहे हैं कि 25 में जनता बदल देगी और आप लोग नीतीश कुमार के साथ, देखिए बोलने के लिए सब पार्टी का अधिकार, अभी तो उनका दल बना नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, दल बना नहीं है, और हमको लग रहा है जिस दिन दल बनेगा, हर दल का अधिकार है कि अपनी अपनी बातों को रखने का, ये हमारे संविधान में सबको हक दिया गया है, सभी पार्टी को अपनी बात रख के जनता के बीच जाने का, तो स्वतंत्रता है उनको, जाएँ, हम भी जाएंगे, हमारा गठबंधन भी जाएगा, एनडीए भी जाएगा, ये जनता निर्णय करेगी। तो अभी हम लोग टेंशन उनसे नहीं लेते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जिन्हें पूरे बिहार का भ्रमण किया है, जन जन तक गए हैं, और उनके कार्यकर्ता आज जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, अपने नेता। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सदस्यता दिलाने के बाद लोग वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जितेंद्र यादव भी इस दौरान शामिल रहे। उन्होंने खुद सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाई है और सैकड़ों लोगों को लेकर के आए हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम नहीं थाना है, हमारे साथ जो है ना सोनू सिंह जी लोजपा में आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा, और बिहार के युवा जो है काफ़ी चिराग पासवान जी के कामों से प्रभावित हैं, और हर युवा चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करने के लिए लोजपा रामविलास के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और पार्टी ज्वाइन करना ही सिर्फ उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य है बिहार का विकास कैसे हो। बिहार में जो हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन और काम, उसको हर एक युवा सोच रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान जी बिहार के लिए रोड के, शिक्षा की व्यवस्था, और आज आप देख रहे हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान देते हैं, और जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमारे युवा सभी लोग हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी का अलग अपना है, हमारे नेता चिराग पासवान जी एक अलग सोच के हैं, हर जाति और हर धर्म के लोग चिराग पासवान जी को अपना रहे हैं और उनके कामों से बहुत प्रभावित हैं। हर जगह आप जाके देखेंगे बिहार के कोने कोने में, जहां भी किसी तरह की घटना होता है तो वहां हमारे नेता चिराग पासवान पहुँचने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कोई भी घटना घटती है, सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। 2025 की लड़ाई में चिराग पासवान एकदम जरूर, आपने देखा है अभी जो लोकसभा के जो चुनाव हुआ, आप लोकसभा के चुनाव आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम 5 सीट हमारे एनडीए ने दिया और 5 सीट हमने जीतने का काम किया, और आने वाला समय में जो विधानसभा के चुनाव होगी जिसमें एनडीए हमको जो सीट मिलेगी, निश्चित रूप से हम लोग 100% जीतने का काम करेंगे। नहीं, अभी तो ज्वाइन किए ही हैं, हमको अच्छा पार्टी लगा था, इसमें ज्वाइन किया। फिर भी एक बेस होगा ना, क्या सोचकर आपने ज्वाइन किया, किस चीज़ पे आपने विश्वास किया? किस चीज़ करेंगे, यही जैसे चिराग जी जनता जनार्दन का सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत काम काज से उनका बहुत अच्छा लगा, हम भी चाहेंगे कि हमको भी दायित्व मिले, हम भी सेवा करें। और भी बहुत सारी पार्टियाँ, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी, इनका काम बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा काम, इसी युवा का नेता, हम भी युवा हैं, हम चाहते हैं कि नहीं वो भी बढ़ें, मेरा पार्टी भी बढ़े और हम भी बढ़ें। आगे आप किस तरह से काम करेंगे? तो देखिए नया नया ज्वाइन किए हैं, कोशिश करेंगे बहुत अच्छा से काम करें, जनता का सेवा करें। अच्छा, चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या लगता है कि इस विजन पे कितने खड़े उतरे हैं? 100% खड़े उतरे। आप इससे पहले किसी पार्टी में थे? नहीं, पहली बार। पहली बार। अच्छा, कैसे पार्टी को शक्ति प्रदान करेंगे? अब तो देखिए नया नया ज्वाइन किए हैं,
कोशिश तो करेंगे कि अपना जनता जनार्दन को मतलब कर दें। कहाँ गिराने वाले हैं आप, अपने बारे में बताइए। बख्तियारपुर गिराने वाले हैं, लेकिन मेरा जो है अभी प्रेजेंट में हम रह रहे हैं रामकृष्णा नगर में, वहाँ भी घर बनाए हैं, वहाँ गिरा। चुनाव लड़ने की भी कोई बातचीत हुई है क्या? चुनाव भी लड़े? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? पटना विधानसभा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।